हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप लोग का मेरी एक और वीडियो में। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का पार्ट 3। तो आप लोग को पता ही होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने अपना एक घर बनाया था। तो अभी मैं ऊपर आया हुआ था कि ऊपर से कैसा लगता है हम लोग का घर पूरा देखने के लिए। तो अभी हम लोग वापस से फिर से नीचे चलते हैं। तो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता यहाँ, ठीक है, मैं भी नीचे आ चुका हूँ सेफली। तो गाइस, आप लोगों को याद ही होगा ये पिछले एपिसोड में मैंने थोड़े बहुत ग्लास से बनाए थे। और हाँ, मैंने रात को बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स मार दिए थे, जिससे मेरे को 27 स्ट्रिंग्स मिल चुका है। और आप लोगों को पता ही होगा मेरा वुडन स्वॉर्ड टूट चुका है। इतना मारा मैंने, इतना स्पाइडर मारा, मेरा वुडन स्वॉर्ड ही टूट चुका है। तो अभी हम लोग क्राफ्टिंग टेबल में देख लेते हैं कि स्ट्रिंग से क्या बन सकता है। तो स्ट्रिंग से हम लोग को यहाँ पर 6 वुल मिल जाएगा, तो हम लोग 6 वुल बना लेते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग थोड़ा पेड़ तोड़ के आते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर कई पेड़ तोड़ने के लिए। कोई भी पेड़ चलेगा, पर मेरे को उसका 5 से 6 लॉग्स लगेगा। तो यही पेड़ तोड़ देते हैं। इसके ऊपर जाने का रास्ता तो मैंने बना ही लिया, तो इसका अभी कोई काम नहीं है मुझे, तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तो वैसे जितना हो सके उतना ही लेके चलेंगे हम लोग एक बार। तो ये सारी वाइन्स टूट गए यहाँ से। तो मेरे को अभी मिल चुके हैं 7। तो 7 से पहले मैं अपना बहुत सारा प्लैंक्स बना लेता हूँ। अब मैं अपने घर में चलता हूँ और अभी मैं अपना बेड बनाने वाला हूँ वुल और प्लैंक्स है। तो अभी मैं अपने घर में आ चुका हूँ और मैं क्राफ्टिंग टेबल से अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ। तो मैं अभी 2 बेड बना सकता था, पर मैंने अभी एक ही बेड बनाऊंगा। तो अभी हम लोग अपना बेड ले जाके ऊपर रख देते हैं। हम लोग ये फ्लोर पे रखें कि ऊपर वाले फ्लोर पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बार के लिए अपना बेड यहीं पर रख देता हूँ। तो मैं अपना बेड निकालता हूँ यहाँ से और यहाँ रख देता हूँ अपना बेड। तो इसको एक बार रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं। तो रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है, अभी हम लोग नीचे चलते हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग यही अपना घर को कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाने वाले हैं। तो उसके लिए पहले मुझे चाहिए रहेगा शॉवल। तो मेरे पास एक भी शॉवल नहीं है, तो मैं फटाफट से पहले शॉवल बना लेता हूँ एक ठो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्टिक्स ले लेता हूँ। और मेरे को एक स्टोन का शॉवल मिल गया है, तो मैं 2 शॉवल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी शॉवल की बहुत ज़रूरत है। तो मैं अभी ये पूरी जगह को खोदने वाला हूँ, यहाँ से लेके मैं पूरी यहाँ तक इसको खोद दूंगा और इसको पूरा लेवल करना है मेरे को। तो चलो हम लोग अभी अपना ये पूरा काम को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पर आप लोग बस वीडियो देखते तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग देख ही पा रहे हो, मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुदाई कर चुका है मैंने। और यहाँ पर मैंने पूरा इसको लेवल कर दिया है ग्राउंड को, और वहाँ बहुत खुद है। तो अभी मेरे पास इतना है, मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि सिर्फ इतना सा ही मिला इतना खोदा, तो नहीं, मेरे को इतना नहीं मिला है। मैंने एक्चुअली मेरा बैग पूरा भर गया था। तो एक बार मैंने जाके अपने घर में चेस्ट में रख दिया, आप लोग देख ही पा रहे हो ये पूरा चेस्ट भर गया ऑलमोस्ट। तो पूरा चेस्ट में जितने भी सामान है अभी मैंने वहाँ से ही लिया, जितना भी डर्ट है। तो अभी मैंने जो काम के लिए वहाँ पर खोदा है वो है, मैं थोड़ा सा ग्रेवल ले लेता हूँ और सैंड तो मेरे पास सही, पहले गेट बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैं कोबल स्टोन से हटाते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं इससे हम लोग क्या बना सकते हैं। यहाँ हम लोग ब्राउन कंक्रीट पाउडर बना सकते हैं, पर अभी मेरे को ब्राउन कंक्रीट पाउडर नहीं चाहिए, मेरे को दूसरे कलर का चाहिए। तो अभी मैं चलता हूँ कोई फूल लेने। तो यहाँ ऊपर बहुत सारे फूल तो थे जब मैं गया था थोड़े दिन पहले। देखो, मैं थोड़े दिन पहले जब मेरे को वुल की ज़रूरत थी, तब मेरे को शीप एक भी नहीं थी, दूर दूर तक कहीं शीप नहीं थी। और आज देखो, और ये क्या है, वो ये तोता उड़ा, मेरे को लगा क्या है ये। तो यहाँ मेरे को बस खोजना है कोई फूल मिल जाए, कोई भी फूल चलेगा, बस ब्राउन नहीं चाहिए, मेरे को ब्राउन ज़्यादा पसंद नहीं है। वहाँ शायद येलो कलर का फ्लावर्स था, मुझे लगा यहाँ कोई येलो का फ्लावर है। तो आप लोग गाइस, आप लोग देख पा रहे हो मैंने येलो रंग के फ्लावर खोज लिए हैं। तो अभी मैं यहाँ से सारे येलो फ्लावर्स को उठा लेता हूँ।
और यहाँ पर और भी है बहुत सारे। तो मैं थोड़ा ब्राउन थोड़ा येलो बनाऊंगा, और अगर मेरे को रेड या कोई और कलर मिल गया तो मैं वो कलर का भी बना लूँगा। तो अभी मैं निकल जाता हूँ रेड कलर या फिर कोई और कलर के खोज में। अभी मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ भागते भागते, और देखो मेरे को इतने सारे ये रेड वाले फ्लावर्स मिल गए। देखो कितने सारे फ्लावर्स यहाँ पर, मैं सारे फ्लावर्स उठा लेता हूँ जल्दी से, देखते हैं हम लोगों को कितना फ्लावर मिलता है टोटल में। यहाँ पर एक और रेड रंग का पैरेट है, मकौ टाइप का लग रहा है मेरे को। तो अभी मेरे को मकौ पे कोई ध्यान नहीं देना है, अभी मैं सारा ये फ्लावर्स उठाने वाला हूँ। एक्चुअली वो मकौ नहीं होता है, मकाऊ होता है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया। तो देखो मेरे को 25 फ्लावर्स मिल चुका है अभी यहाँ पर। मैं फटाफट से अपने घर पे चलता हूँ, और फिर वहाँ से मैं बहुत सारे रेड वाले कंक्रीट पाउडर बनाने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, मेरे को लगा बहुत दूर चला गया, मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, मैं पास में ही था थोड़ा। तो यहाँ से मैं अपने घर में चलता हूँ, फिर क्राफ्टिंग टेबल से मैं रेड कंक्रीट पाउडर बना लेता हूँ। तो अभी रेड कंक्रीट पाउडर बनाने के लिए ये पो क्या लिख के आ रहा है पता नहीं। मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा रेड डाई बना लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे को रेड वॉल भी मिल सकता है, रेड कंक्रीट पाउडर भी मिल सकता है। तो मैं अभी रेड कंक्रीट पाउडर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कंक्रीट का ज़रूरत है। तो मेरा ये रहा रेड कंक्रीट। तो मैं आप लोग को एक चीज़, एक और मस्त सा चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर जब मैंने ये रखा, आप देखो कितना अजीब सा है इसमें। और अब देखो मैं इसको यहाँ रखता हूँ, और अब इसको मैं अपना पिकैक्स से तोड़ लेता हूँ। तो मैं यहाँ पिकैक्स ये रहा, और मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, बस एक बार आप डिफरेंस देखिए, मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाता हूँ। तो इसके बदले ले लेते खाने के बदले, आप बस डिफरेंस देखिए। जब मैंने इसको पानी में डाला तब ऐसा बन गया, और पहले ये ऐसा था, डिफरेंस बस। मेरे को तो बहुत ही अच्छे लगे ये ब्लॉग्स। अगर आप लोग को ये ब्लॉग्स अच्छे लगे तो कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताना। तो अभी मैं ऐसे बहुत सारे ग्रेवल्स कलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं बहुत सारे सैंड भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं बहुत सारे कंक्रीट बना लेता हूँ। मैंने अभी 16 येलो कंक्रीट पाउडर और 36 रेड कंक्रीट पाउडर बना लिया है। तो अभी मैं इन लोग को जल्दी से पानी में रख रख के ऐसे कंक्रीट ब्लॉक्स बना लेता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर रेड कंक्रीट का पाउडर और येलो कंक्रीट का पाउडर कुछ ऐसी तरीके से पूरे बैंक्स पे बिछा दिया है। अभी टाइम है इसको तोड़ने का, तो इसको तोड़ना चालू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ नहीं करूँगा, वरना मैं अंदर जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको तोड़ना चालू करता हूँ। तो इसको मैं धीरे धीरे तोड़ लेता हूँ पूरा, और वो टनल के सामने एकदम लास्ट में तोड़ेंगे। तो गाइस मैं ये पार्ट को थोड़ा स्किप कर दूँगा, वरना वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो गाइस मैं अभी ये पार्ट को स्किप करने वाला हूँ। गाइस मैंने अभी का 36 और पहले का 19 मिला के 54 रेड कंक्रीट ब्लॉक्स बना लिए, और 16 येलो कंक्रीट ब्लॉक्स बना लिए हैं। तो गाइस अभी मेरा प्लान है कि मैं अपने लिए एक कैसल टाइप का करूं, पर उसके पहले मुझे अपने लिए ऐसे दो टावर खड़ी करने हैं। तो मैं इसका विड्थ गिन लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7। तो मुझे 9 ब्लॉक्स छोड़ने हैं वहाँ से, और उसके बाद मुझे एक ब्लॉक इसके पैरेलल रखना है। तो इसके पैरेलल मतलब मेरे को इस लाइन में जाना है, और इस लाइन से मैं गिनता हुआ आऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ मुझे अपना एक ब्लॉक रख देना है। तो गाइस ये बीच का जो पार्ट होगा वो पूरा मेरा कैसल होगा, उसके बगल में दो ऐसे टावर्स होंगे। तो अभी मैं फटाफट से ऐसे दो टावर खड़े कर लेता हूँ, पर अभी मैं अभी के लिए मेरा बेड इसी में रहेगा, क्योंकि ये कैसल बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो अभी मैं ये वाले टावर जैसा ही एक और टावर इस साइड भी बना लेता हूँ।
हो चुका है और मैंने अपने दोनों टावर को कंप्लीट कर चुका है, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। लेफ्ट वाला जो टावर है वो थोड़ा सामने, मतलब थोड़ा बड़ा बन गया, ज़्यादा आगे आ गया है। आप लोग देख ही पा रहे हो कि ज़्यादा आगे आ गया है। और वो ज़ॉम्बी बेटा जल रहा है, फिर भी मेरे से पंगा लेने के लिए आ रहा है। देखो मरे, और अब मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि मेन प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो हुआ क्या है तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है सिर्फ यहीं तक है मेरा टावर, और मुझे लग रहा है कि ये बड़ा है। एक मिनट चेक करने दीजिए। नहीं, ये बड़ा नहीं है, पर फिर ऐसे कैसे हुआ कि इस साइड में मुझे 5 ग्लास लगे पर वहाँ मुझे सिर्फ 4 ग्लास लगे। लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने गलत जगह पे स्टोन लगा दिया है। स्टोन तो मैंने सही जगह पे लगाया। देखो यहाँ प्रॉब्लम हो गया, इसके पीछे मैंने 2 ब्लॉक आगे बढ़ा दिया। तो वह बात हम लोग को पीछे का तो कोई देखेगा नहीं, सामने से ही देखेगा जो देखेगा, साइड से भी कोई नहीं देखेगा वैसे तो। और वैसे तो कोई भी नहीं दिखेगा मेरा कैसल को एक्सेप्ट मी। तो गाइस अभी मैं अपना कैसल बनाना शुरू करता हूँ, तो ऐसे मैं कर करके एकदम पीछे तक जाने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और अभी मैं उस साइड भी यहाँ तक कर लेता हूँ। पीछे मुझे लगा मुझे यहाँ आयरन ओर था। आयरन ओर को तो हम लोग बाद में ले लेंगे। आयरन ओर कोई बात नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। हम इम्पोर्टेंट है हम लोग का एक बहुत ही अच्छा सा घर। तो यहाँ तक मैंने इसको बना चुका और मेरे पास एक ही कोबलस्टोन अभी बैग में बचा हुआ शायद से, और भी हुआ तो पता नहीं। चलो मेरे पास अभी बहुत सारे कोबलस्टोन है, तो मैं एक कोबलस्टोन को फटाफट से ऐसे ऐसे लगाते जाता हूँ। आप लोग बस देखते जाओ कितना अच्छा बनेगा हम लोग का ये कैसल। देखो फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ से कंप्लीट कर चुका है और अभी चांस है मुझे यहाँ से ऐसे ऐसे जाने का। तो इस साइड भी वैसे ही लगा देते हैं। यहाँ गिनते कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और इस साइड 1 2 3 4 5 6 6 7, उस साइड 7, इधर भी 7 लगा दिया। तो ऐसे बीच में हम लोग का 2 का गेट बन जाएगा, और तो इसके ऊपर ही मैं ऐसे लगाते जाता हूँ। पर अब मैं इसके ऊपर ये नहीं लगाने वाला हूँ, अभी मुझे अपने फर्नेस का बहुत काम है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना यहाँ चारकोल तो डला वही है, मैं यहाँ पूरा ये डाल देता हूँ, और दूसरे फर्नेस में भी तो डला वही होगा, मेरे को लगता है डला हुआ होगा। हाँ तो डला हुआ है, इसमें भी ये डाल देता हूँ। और अभी थोड़ी देर यहीं पर वेट करते कि ये लोग स्टोन हम लोग को कब देंगे। मैंने अभी सोचा है कि जितने वो लोग हम लोग को स्टोन देते हैं इतने हम लोग कोई दूसरे मटेरियल से अपना घर बना लेते हैं। तो अभी मैं अपना ये सब यूज़ नहीं करूँगा, अभी अभी मैं अपना ले रहा हूँ। कौन सा ले, कौन सा ले, क्या ले, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं कोबल स्टोन से ही कंटिन्यू करता हूँ। तो कोबल स्टोन 1 लगाया, 2 2 लगाया, 3 लगाया, 3 लगाया। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि अभी वो स्टोन का ब्रिक्स का काम हम लोग सीलिंग पे कर देंगे। अभी हम लोग इसको कोबल स्टोन से ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं। उस कोबल स्टोन की थोड़ी सी कमी पड़ गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो हम लोग माइन में गए थे पिछले एपिसोड में, आप लोग को याद ही होगा, वहाँ से जाके मैं ना बहुत सारा कोबल स्टोन लेके आ जाता हूँ। माइन से ऊपर आ चुका हूँ फिर से, और यहाँ पर से मेरे को मैंने बहुत सारा ले लिया है कोबल स्टोन। तो मेरा मेरे को लग गया 3 स्टोन पिक्स इतना थोड़े में, मतलब। और मेरा वुडन पिक्स भी ऊपर से चला गया, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट पिक्स था उसमें हेल्थ था ही नहीं, आप वैसे ही समझ लो। और जो सेकंड थर्ड था वो तो पूरा ही लग गया, इतना सारा देख लियो आप। 128 से भी ज़्यादा स्टोन लाए हैं हम लोग, तो पिकैक्स तो पूरा ख़त्म हो गया मेरा। तब भी मेरे पास कोई भी पिकैक्स नहीं है, ना ही वुड का है, बस मेरे पास अपना आयरन वाला पिकैक्स बचा हुआ है, और कोई पिकैक्स नहीं है मेरे पास। और मैं अभी कोई आयरन पिकैक्स यूज़ नहीं करने वाला, जब तक मेरे को कोई गोल्ड या डायमंड या
ब्लड कुछ नहीं मिलता, मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि गोल्ड या डायमंड या एमराल्ड वैसा चीज़ के लिए हम लोग सिर्फ आयरन पिकैक्स ही यूज़ कर सकते हैं, अगर और किसी से करते तो हम लोग को मिलता नहीं है। तो गाइस इसीलिए मैं अपना आयरन पिक्स बचा के रखा हुआ मैंने। तो अभी मैं अपना ये पूरा दीवार को खड़ा कर लेता हूँ, पूरा दीवार खड़ा कर दिया है। तो ये दीवार में मैंने ये तीन का गैप इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं यहाँ पर अपने लिए एक गेट बनाने वाला हूँ। तो अभी ये दिन भी ढलने वाला है तो मैं अपने घर में चलता हूँ और बेड पे सोता हूँ, और मिलते हैं आप लोग को अगले दिन। तो अभी मैं अपने बेड की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर सो जाते हैं, और अभी हम लोग सीधा उठेंगे अगले दिन। तो अगला दिन हो चुका है और अभी हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं हम लोग का स्टोन बन गया क्या। सारा इसमें तो नहीं बना और इसमें भी अभी तक नहीं बना, दोनों में ही 47 47 बना हुआ है अभी तक। तो अभी इसके लिए मुझे चाहिए, यहाँ पर मैं लाऊंगा थोड़े से पिस्टन। तो वो पिस्टन बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए रहता है, पहले मैं यहाँ जाके सर्च करके देख लेता हूँ पिस्टन। तो जो भी चाहिएगा हम लोग लाएंगे। तो यहाँ पर मेरे को चाहिए स्टिकी पिस्टन, तो उसके लिए स्टिकी पिस्टन ही चाहिए रहता है। तो उसके लिए स्लाइम बॉल चाहिए रहता है और पिस्टन चाहिए रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ स्टिकी पिस्टन बनाया जाए कि पिस्टन बनाया जाए, क्योंकि देखो स्लाइम बॉल तो स्लाइम से मिलता है जो यहाँ मिलेगा नहीं, तो मैं किससे बनाए। तो अभी मैं वो आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि देखो मेरे पास अभी स्लाइम बॉल लाने का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं एक बार के लिए वो आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ, अगर मेरे को कहीं पर भी स्लाइम बॉल मिलेगा मैं स्लाइम बॉल लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पर एक बार के लिए मैं अपने कैसल में ऐसे दो गेट ही लगा देता हूँ एक बार के लिए। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर और यहाँ से जितने भी स्टोन हुए एक बार उतने तो कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट 64 हो ही गए थे, कोई बात नहीं, पर मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी है अभी, क्योंकि देखो आज मेरे को सीलिंग कंप्लीट करना है, वरना जो स्पाइडर वाइडर होते हैं वो ऊपर सीलिंग से भी चढ़ के अंदर चले जाते हैं। तो अभी मैं ये सब मिटा देता हूँ और मेरे को अभी चाहिए स्टोन ब्रिक्स चाहिए। तो अभी मैं बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स बनाने वाला हूँ। तो अभी आराम से बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स बन चुके ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं अभी बहुत सारी स्टेयर्स बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं पूरे स्टेयर से सीलिंग बनाने वाला हूँ, और मुझे चाहिए थोड़े बहुत ग्लास। तो ग्लास शायद मेरे पास है, तो 13 ग्लास शायद बहुत रहेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर और अभी मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ। तो काम शुरू करने के लिए मुझे ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा, और ऊपर चढ़ने के लिए मैं क्या लगाए, मेरे पास सैंड है तो सैंड लगा देते, सैंड बहुत जल्दी टूट जाता है। तो एक बार सैंड लगा देते हम लोग यहाँ से, ऐसे ऐसे कर करके हम लोग पहले ऊपर चलते हैं। और ऊपर जाने के बाद कौन मारा, स्केलेटन के बच्चे तेरी तो ऐसी की तैसी, मतलब देखो मैं उसको कुछ बोला भी नहीं, अपना काम से काम रख रहा हूँ और वो उल्टा मेरे को मार रहा है। रुको अभी मेरे को अगर वो दिख गया ना वहीं उसको मार दूंगा मैं। कहाँ से मारा वो, ओ भाई साहब आप इधर हैं, अरे यहाँ तो दो दो स्केलेटन है, भागो 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 भागो, ये लोग तुमको मार देंगे मार देंगे मार देंगे। तो गाइस अभी वो दोनों स्केलेटन अभी भाग चुके हैं, मतलब भागे नहीं, वो लोग पेड़ से बाहर निकले और फिर वो लोग जल गए। तो अभी हम लोग बिना किसी देरी के अभी हम लोग वापस ही काम शुरू करते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया कि मैंने ये सैंड यहाँ से हटा चुका है, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ से चालू करने वाला हूँ कि बाय चांस अगर कोई स्केलेटन आ भी जाता है तो जल जाएगा, या फिर कोई भी आए तो जल जाएगा, क्योंकि अभी दिन का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं इस साइड से शुरू करने वाला हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे बस ऐसे स्टेयर्स को ऐसे ऐसे रख के जाना है। तो मैं पहले इसके ऊपर एक और लेयर लगाने वाला हूँ, ये जो मैंने कोबलस्टोन के वॉल बनाया उसके ऊपर भी मैं लगाने वाला हूँ। और एक रन मुझे चेक करना है बस मेरे पास कितने स्टेयर है। तो मेरे पास 64 और 8 थे, जिसमें से मैंने अभी 10 लगा चुके, और ऐसे ऐसे मैं करके पूरा कंप्लीट कर देता हूँ फटाफट से।
तभी मैं ये स्टेयर्स लगाते लगाते नीचे गिर गया था, तो अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो इसका विड्थ है वो थोड़ा कम है। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई ज़्यादा तोड़ने फोड़ने का काम नहीं है, बस ये स्टेयर्स यहाँ से तोड़ना पड़ेगा और बस ये वॉल तोड़ना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो जाएगा थोड़ी देर में ही, आप लोग बस देखते रहिए कैसे होता है। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे एक पिकअक्स बना के लाना है, और इस बार मैं अपना आयरन पिकैक्स यूज़ करूँ कि नहीं करूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम लोग कोबल स्टोन का ही एक बार बना लेते हैं, क्योंकि देखो आयरन पिकैक्स बना भी सकते नहीं भी बना सकते, पर मुझे लगता है कि नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्टिक्स ले लिया है, और ये शील्ड एक बार वापस यहाँ रख देते हैं, और मुझे अभी प्लैंक्स चाहिए 2-2, पर मेरे पास अभी प्लैंक्स है नहीं। तो मैं और थोड़ा वुड तोड़ के आता हूँ, तो वुड तोड़ने के लिए मेरे पास एक्स तो है ही, तो एक बार यहाँ से मैं एक्स ले लेता हूँ और चलते हैं हम लोग पेड़ काटने के लिए। कोई भी एक पेड़ काटेंगे, यहाँ पे देखो इन लोग को देखो, मर जा, आ जा मर। ओ भाई उसके पास फिशिंग रॉड है, मेरे को मारने उसको। एक काम करता हूँ, मैं वापस से अपना शील्ड लेके आता हूँ, फिर इन लोग से पंगा लूंगा। यार छोड़ो, फिशिंग राउंड तो कोई भी बना लेगा, उसके लिए अब बेकार में अपना जान जान जोखिम में क्यों डाले। तो मैं अपना चलता हूँ यहाँ पर। ये क्या है? तो ये पांडा है, पांडा को बैम्बू खिलाना पड़ता है शायद। 1 मिनट, मैं बैम्बू लेके आता हूँ। बैम्बू तो मेरे पास होना चाहिए था, कोई बात नहीं, बैम्बू नया ले लेते हैं। देखते फिर हम लोग को पांडा क्या फ़ायदा देता है। तो एक बार मैं इसके बदले ये ले लेता हूँ, और यहाँ जब पांडा इसको खिला देते हैं, कितनी अजीब आवाज़ हर कर ये खा रही है ऐसे, पर खा रहा है, कोई बात नहीं, और खा लो जितना मर्जी उतना खा लो, मैं खाता तो हूँ नहीं, तुम ही खा लो। और ले लो, खा लो जितना खाना खा लो, पर इसको खिलाने के चक्कर में कहीं मेरा काम भी ना छूट जाए। तो एक बार पहले मैं यहाँ का नहीं तोड़ूंगा, मेरा कैसल का लुक बर्बाद हो जाएगा। देखेंगे बीच में ये पत्ती वत्ती उड़ गया हवा में। तो गाइस अभी मैं फटाफट से फिर से तोड़ने में लग जाता हूँ, और वापस पांडा आ गया। यार क्या चाहिए तुमको? दोगे क्या पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझे दोगे क्या जो तुम मेरे से खाना मांग रहे हो? कोई बात नहीं, मुझे इतना सही प्लैंक से शायद हो जाना चाहिए। वैसे ही मुझे तो स्टिक्स बनाना है, स्टिक्स बनाने के लिए तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ बस ऐसे लेना है। और 4 स्टिक 5 स्टिक हो गया मेरे पास अभी, पहले का 1 स्टिक था और अभी एक और स्टिक हो गया है। तो गाइस आप लोग देख ही पा रहे हो कि ये बीच में अच्छा तो लग रहा था, पर ये थोड़ा तो छोटा बन गया। या तो एक काम कर सकते हैं कि पीछे से इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, वो काम किया जा सकता है, पर फिर वो काम में पहले साफ करो फिर करो, पर ना सामने से तोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा देखो, क्योंकि इसके सामने अगर और बड़ा कर देंगे तो ये टागा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आप लोग समझ लो। तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं काम करता हूँ, पीछे से खाली करते वापस। अच्छा ये डर्ट वर्ट और अगर स्टोन भी आ जाए तो हम लोग को ही मिल रहा है, और किसी को थोड़ी ना मिल रहा है। तो मेरा शोवेल का आप लोग हालत देख ही पा रहे हो अभी, तो मैं एक बार इसको तोड़ना शुरू कर देता हूँ। तो इसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लग भी जाएगा तो मुझे वुड भी मिल सकता है, कुछ भी मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको जल्दी जल्दी से मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ, और मुझे ये इसकी हालत देख के ही पता चल रही है कि मुझे अभी एक और शॉवल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं काम करता हूँ, मुझे और नहीं खोदना है, तो एक बार इतना ही लगा देते हैं। एक्चुअली और खोदना पड़ भी सकता है, और ये एक लाइन तोड़, तो एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं हम लोग। इतने इसके पीछे का मेन
एरिया को हम लोग खोदना चालू करते हैं। तो इसको हम लोग चालू कर देते हैं, और अब मैं आप लोगों से दम मिलने वाला हूँ जब मैं ये पूरा एरिया को खोद दूंगा। डॉट खोदते खोदते मेरा शॉवल टूट चुका है, याद पर मेरे घर में आयरन होना चाहिए। और भाई साहब शांति से काम लेंगे क्रीपर भाई साहब, आप पे लगा मैंने यही मैं ये 17 यहाँ 9 रखते हैं, यहाँ से 11 वाला ले लेते स्टोन, और यहाँ पर 9 भी 9 होना चाहिए, और यहाँ बाकी का 10 रख देते हैं। तो मैंने बाकी का 10 यहाँ रख दिया है, तो अभी थोड़ी देर में आयरन इंगॉट बन जाएंगे। तो एक आयरन यहाँ से मिल चुका है मुझे, और एक यहाँ से मिल गया, और इधर एक और होना चाहिए था पर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मुझे बस एक शॉवल चाहिए अभी, मेरे को एक शॉवल दे दो बस। मैं 2 शॉवल बना सकता हूँ पर अभी मैं एक ही बनाऊंगा, और बाकी सबको मैं वापस इसी चेस्ट में डाल देता हूँ जो भी बेकार का सामान है। एवं जैसे कि ये कोल हो गया, सीड हो गया, और ये स्टेयर्स हो गया, ये भी स्टेयर्स हो गया। अभी ग्रेवल का भी कोई काम नहीं है, अभी कंक्रीट भी नहीं, येलो कंक्रीट भी नहीं, वाइट वॉल भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो गाइस आप लोग देख ही पा रहे हो मैं अपने बैग में कितना बेमतलब का सामान लेके घूम रहा हूँ अभी। तो ये मुझे ये जो नॉटिलस शेल है वो मुझे, वो जो ज़ोंबी रहते हैं पानी में ड्राउन नाम होता है उन लोग का, वो मेरे को ला के दिए थे। भाई लो आपका ये शेल, लो संभाल के रखो। मैं रख लिया ऐसे, सही में उन लोग ने ऐसे नहीं दिया, मेरे को उन लोग को मारना पड़ा। तो टॉर्च भी यहाँ पर 64 टॉर्च मैंने बना ली थी, तो यहाँ पर एक बार ये रख देते। और यहाँ से अगर ये इसमें ख़त्म हो गई सारी, मैं यहाँ अपना 64 तो नहीं रखूँगा, थोड़ा बहुत रख देता हूँ, 26 रख देता हूँ यहाँ पर, तो वो भी स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग उससे और स्टोन ब्रेक्स बना लेंगे। तो यहाँ से पहले मैं जितने स्टोन ब्रेक्स हो सके उतने बना लेता हूँ, और मुझे और सीढ़ी चाहिए अभी, क्योंकि सीढ़ी की तो अभी बहुत कमी है। तो सीढ़ी एक बार अभी तो नहीं चाहिए। तो पहले मेरी पूरी 64 वाली कहाँ गई जो मेरी सारी थी। भाई मैं मर तो नहीं गया था, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि मैं तो यहीं खोद रहा था अभी। तो मुझे अच्छे से याद है मैं सारा बैग में लेके घूम रहा था। क्या हो गया, ऐसे होता भी है क्या, गायब हो जाता है ऐसे? आप लोग कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि ऐसे गायब होता है कि नहीं होता है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसा गायब नहीं होना चाहिए था। मेरे इतना सारा स्टेयर्स था, वो सब यूज़ तो नहीं हो सकता, या हो भी सकता है यूज़ हो गया होगा, पर इतना सारा एक बार में यूज़ हो गया। तो मुझे 6 स्टोन और मिल चुकी है, तो मैं 6 स्टोन से और स्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ। तो 4 स्टोन ब्रिक्स और बन गया है आराम से, और मुझे सीढ़ी भी मिल गई है। तो एक बार 24 सीढ़ी से। तो गाइस यहाँ पर मैं चेक कर लिया, मेरा 4 स्टोन और बन चुके हैं। तो 4 स्टोन से एक बार मैं यहाँ पर और स्टोन ब्रिक्स बना सकता हूँ, और 4 स्टोन ब्रिक्स से होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना ये सब सारा सामान रख देता हूँ, और फिर इसको भी यहाँ स्टोर करवा देते हैं, और एक बार सीढ़ी को भी स्टोर करवा देते हैं। और मेरे पास अभी बस बचा है कॉबल स्टोन बचा हुआ है और आयरन इंगोट। आयरन इंगोट को मैं वापस इधर रख देता हूँ, और अभी मैं चल रहा हूँ बाहर अपना खुदाई का काम वापस से शुरू करने के लिए। तो ये आयरन शॉवल, अब टेस्ट करते कि ये आयरन शॉवल कितना डर्ट को खोद सकता है। मैं अभी रुकने नहीं वाला, मैं बस अपना दबाते जाऊँगा दबाते जाऊँगा। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि आयरन शॉवल कितना ड्यूरेबल होता है। वैसे तो पिकैक्स भी चलेगा ये सब जो स्टोन है, तो पहले जितना डर्ट खोदता है उतना डर्ट खोद लेते हैं। एक्चुअली इतना नहीं खोदना था, इसको फिर से भर देते हैं।
वैसे इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि आप लोग खुद ही एक बार देख पा रहे हो ये कितना गंदा लग रहा है। देखो यहाँ पर से ऐसे स्टोन आ रहा है, कहीं पर ये ग्रेवल है, कहीं पर डर्ट है, कहीं पर कोल है, कहीं स्टोन है। तो अभी ना बहुत वैसा हो रखा है कि कोई भी जो मन चाह ब्लॉक वो लगा दिया, वैसा टाइप का फीलिंग आ रहा है मुझे। तो मैं काम करता हूँ अभी, इसको फटाफट से ये पूरा जो डर्ट है इसको हटा देते हैं। गाइस अभी ये पूरे जगह को खोदने के बाद मेरा आयरन पिकेक्स टूट गया है, बस पिकेक्स बोल रहा हूँ, शॉवल, तो बस इतना सा ही जगह बचा था। और आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे पास इतना सारा डर्ट हो गया है, 3 पूरा सैक्स भर गया है, ये चौथा भी भर जाता अगर मेरा शॉवल सही सलामत होता तो। तो कोई बात नहीं, हम लोग के पास कोई आयरन की अभी तो कमी है नहीं, तो मुझे ना लगता है कि हम लोग को अभी आयरन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आयरन शॉवल की। मुझे लगता है कि ये वुडन शॉवल मेरे पास पड़ी हुई है, फिर भी मैंने वहाँ पर जाके अपना आयरन शॉवल यूज़ किया, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। तो गाइज मुझे लग रहा है कि अभी रात भी होने वाली है, तो मैं काम करता हूँ, पहले ऊपर चलता हूँ, वहाँ सो जाता हूँ, फिर अगले दिन हम लोग काम करने चलेंगे। तो अभी रात हुई नहीं है अच्छी तरीके से, तो ये मना कर रहा है बेड पे सोने के लिए। फिर से ऐसे ही बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शाम तो हो ही गया है, तो हम लोग एक बार छत्ता पे चलते हैं। एक्चुअली छत है नहीं है मेरा, ऐसे ही है। तो ये शायद अभी से नाइट मारने लग सकता है या नहीं भी लग सकता है, देखना पड़ेगा। फिर से वही बोल रहा है, एक बार थोड़ी देर वेट करते हैं, ये जब सूरज डूब जाएगा तभी हम लोग सोएंगे अब तो। और स्पाइडर तो देखो आएगा तो मैं हाथ में स्टोन स्वॉर्ड है ही, तो अभी स्टोन स्वॉर्ड है, थोड़ी देर बाद मेरे पास डायमंड स्वॉर्ड होगा, पर अभी के लिए हम लोग को स्टोन से ही काम चलाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से नज़ारा कितना अच्छा आ रहा है, देख पा रहे हो सन ऐसे डूब रहा है होराइजन से, तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा हम लोग को देखने भी मिल सकता है। तो अभी हो चुका है रात और हम लोग जल्दी से उठते हैं अगले दिन। तो गाइस अगला दिन हो चुका है और ऊपर से देखते हैं कि कितने ज़ॉम्बीज़ को हम लोग जला रहे हैं। तो मुझे तो अभी कहीं पर भी आग दिख नहीं रही है, वहाँ पर एक जन है, शायद वो ज़ॉम्बी विलेजर होगा कुछ। तभी हम लोग नीचे चलते हैं और अभी हम लोग अपना शॉवेल से वो बच्चा कुचा पार्ट को अभी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, गाइस अभी मैं वो जगह पे आ चुका हूँ और यहाँ पर ना मुझे स्केलेटन की आवाज़ आ रही है, आप लोग ध्यान से सुनो। और वो कहाँ है बेटा, इनविजिबिलिटी पोशन ले रहा है, पर मेरे को पहले इसके ये इसको मारना पड़ेगा वरना ये ना वो छोड़ता है। कहाँ है, भाग रहा है, उसको मैंने मार दिया। मैं देख रहा हूँ कर करके आवाज कही जा रहा है, किए जा रहा है। ओ ये भाई यही यहीं पर है स्केलेटन। अरे भाई भागो 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 भागो, मैं एक बार अपने हाथ में शील्ड ले लूँ अपना, फिर इसको दिखाता हूँ। जब शील्ड नहीं लेके गया तो जाता मतलब उसको वैसा हो रहा है कि हाँ हम मार सकते हैं, तो मैं अपना शील्ड ले लेता हूँ हाथ में और अपना स्टोन स्वॉर्ड निकाल लेता हूँ। अब आ जाओ, आ जा, जा कहाँ है, मार, मजा आया, खुद को ही तीर खुद को ही लग रहा है। कहीं मेरा शील्ड ना टूट जाए अभी। तो गाइस फाइनली मैंने उसको मार दिया, मैं इतना देर से मार रहा है, मैं शील्ड को कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, तो ये भाई यहाँ रख देते हैं। और अभी मैं अपने लिए एक वुल्फ भी पाल सकता हूँ,
और देखो मेरा पूरा कैसल का लुक ही खराब कर दिया। देखो तीर ही तीर मार दिए। अब जब मैं ये ब्लॉक को तोड़ूंगा, देखिए आप लोग बस देखो, ये नीचे लग जाएगा। और अगर इसको और तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे तो और नीचे तो लग जाएगा। तो ऐसे ऐसे कर करके मुझे और नीचे ले जाना है इसको। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से डर्ट लेते हैं और इसको कवर कर देते हैं। तो गाइस चलो ठीक है, अभी ये तीन तीर तो अपने आप हट जाएंगे थोड़े दिन में। और ये पेड़ का भी कुछ करना पड़ेगा, तो ये पेड़ को भी अभी मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो इससे मुझे बहुत वुड मिलने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को एक और चीज़ चाहिए, वो लोग मैं आपको दिखाऊंगा घर में जाके क्या चाहिए मेरे को। वो मैं थोड़ा डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगा, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे को क्या चाहिए। बस 1 मिनट रुकिए, बस आप लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ घर में ले जाके। ये जो गड्ढा वड्ढा है उसको बाद में देख लेंगे, अंदर चलते हैं हम लोग, आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ मैं अभी बनाने वाला हूँ, मैं आयरन इंगोट का है, मुझको आयरन इंगोट चाहिए अपना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा ले लेते हैं। और यहाँ अब मेरे को ये शीयर चाहिए। तो शीयर से क्या होता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ ले जाकर। तो जैसे कि मैं अपना शीयर एक बार बाहर निकाल लेता हूँ, तो शीयर्स को मैं एक बार डर्ट के बदले लेता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं शेयर से क्या कर सकता हूँ। तो ये ऐसे नीचे गिर सकता है और हम लोग अब कलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जैसे कि मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाता हूँ, इसको किया कुछ कलेक्ट होने वाला जैसे नहीं हुआ। जैसे ये है, अब ये नीचे गिरेगा, हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं मेनली ये वाइन्स के लिए नहीं लाया था, मैं तो लाया था इसके पत्तों के लिए, पर पत्ते थोड़े ऊपर है और जो थोड़े ऊपर चढ़ने पड़ेंगे। तो एक बार यहाँ से खोदो और मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, और फिर यहाँ से मैं ऊपर चढ़ता हूँ। यहाँ से नहीं चढ़ पाऊँगा, कहाँ से चढ़ पाऊँगा मैं, देख यहाँ से शायद मैं चढ़ पाऊँगा। तो गाइस मैं यहाँ पर एक रूम टाइप का जगह में आ गया हूँ। तो काम करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला था। अब देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी टूट रहे, देखो। तो मैं अब ये सब लीव्स कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये लीव जो होगा फिर वो मेरे को डेकोरेशन के काम आएगा। तो अभी मैंने खुद का ही रास्ता ब्लॉक कर दिया मैं ऊपर जाने का, बस तोड़ देते हैं। और अभी मैं वापस से उसी जगह पे ऊपर चलने वाला हूँ, और ऊपर मैं यहीं से चढ़ूंगा। फिर वहाँ से ये पूरा पेड़ ही काट डालूंगा मैं ऊपर से। बस मुझे ये ध्यान में रखना है कि मैं बस अपने नीचे वाला लीफ ना तोड़ दूँ, वरना मैं नीचे ही गिरूंगा सीधा। तो ये जितना भी यहाँ पर मेरे को लीव्स मिल सकते होते हैं मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा ये शीयर्स भी टूटने वाला है इतना जल्दी जो मैं तोड़ रहा हूँ। तो गाइस मेरा शीयर्स टूट ही गया समझ लीजिए आप लोग। तो मेरा शीयर्स टूट चुका है। तब यहाँ पर जितना भी ये लीव्स गिरा हुआ है वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ पहले। ऐसे ऐसे जगह पे गिरा है ना, कलेक्ट करना ही मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, मैं कलेक्ट कर लूँगा। अरे जंप मारना है मेरे को वहाँ से, बस एक जंप और एक और जंप। यहाँ तक मैंने इतना पावरफुल शेयर था, और कहीं तो नहीं बचा ना, नीचे गिर गया होगा एक आध टू, वो मैं नीचे जाके कलेक्ट कर लूँगा। एक आध टू नहीं, बहुत है यहाँ पर तो, मतलब शेयर एक बार में कितना काट लिया, 64, 64, 2 2 तो 64 सैक्स पूरा भर गया। कोई बात नहीं, अब ये अच्छा ही है, हम लोग को डेकोरेशन में काम आएगा। पर अब जो ये सब बच गया है उसका क्या करना चाहिए मैं वही सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं, मुझको एक बस एक चीज़ देखना है, हो सके पहले खाना खा लेते हैं। हम लोग का पूरा पेट भरा हुआ था तो कहाँ, अभी पूरा खाली है। तभी मैंने पूरा अपना पेट भर लिया है, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और मैं जो चीज़ जो मुझे चाहिए वो मैं सर्च कर लेता हूँ
राफ्टिंग टेबल में उसके लिए क्या क्या चाहिए रहता है। अगर वो बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मुझे बनाना है TNT, तो TNT के लिए गन पाउडर चाहिए रहता है। सैंड तो मेरे पास है ही, गन पाउडर भी होना चाहिए, गन पाउडर तो होना था। मेरे पास फ्लिंट है पर गन पाउडर नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर फ्लिंट एंड स्टील बना लेता हूँ। फ्लिंट एंड स्टील से मैं आग लगा दूंगा पूरे पेड़ में, पर वहाँ से अगर ज़्यादा आग फैल गई तब प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार देख लेते हैं उसके बगल में कोई पेड़ वेड़ तो, और ज़्यादा नहीं है ना, जितना मुझे फायर चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगी। तो मैं कहाँ नीचे गिर जा रहा हूँ बार बार। हाँ तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो मुझे बस एक बार चीज़ चेक करने की, ये कनेक्टेड है पूरा, ये फायर लग सकता है, भी लग सकता है। एक मिनट मैं इसको तोड़ देता हूँ, ये कनेक्शन थोड़ा हट जाएगा, पर फिर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो कोई गारंटी नहीं है। अगर हो जाए तो पूरा ये फॉरेस्ट जल के राख हो सकता है। तो एक बार जला के देखते हैं, दो तीन जगह लगा देते हैं। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैंने जो आग लगाया हो भी सकता है कि ये पूरा जल जाए, नहीं भी हो सकता है कि बुझ जाए ये बीच में। पर इससे एक हम लोग को डिसएडवांटेज है कि अभी हम लोग फिर इसका जो वुड है वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये पेड़ में नहीं लग जाए, अगर ये पेड़ में लग गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा फ्लिंट एंड स्टील तो अभी उसका हेल्थ बहुत है, पर एक प्रॉब्लम हो गई, मेरे जो ये ओक लीव्स थे वो थोड़े बहुत ऊपर ही रह गए, तो हो सकता है वो लोग भी जल जाए। पर एक दो के लिए इतना जो इजी काम है उसको क्यों रोके, मतलब आप ही देख सक रहे हो कितना इजी होता है, वरना मुझको कितना टाइम लग। तो गाइस अभी बहुत रात हो चुकी है और बारिश भी हो रही है। मैं काम करता हूँ, अपने घर में चलता हूँ फिर से, और वहाँ से मैं अपने बेड में सो जाता हूँ और जल्दी से सुबह करता हूँ। और मुझे बस एक बार देखने की वो पूरा पेड़ मतलब जल गया कि थोड़ा बहुत है। तो देयर मॉन्स्टर्स नाउ, यू मे नॉट ट्रस्ट। तो कहाँ है, मुझे तो एक भी मॉन्स्टर दिख नहीं रहे। मैं फिर भी सुनूंगा, देखो सोने नहीं दे रहा क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो शील्ड है, ये शील्ड है, उसको मैं यहाँ इक्विप कर लेता हूँ। पता नहीं घर से निकलते ही कौन हमला कर दे। कहाँ है मॉन्स्टर, वो तो एक भी नहीं दिख रहे। बस वो क्रीपर यहाँ आके फूट ना जाए, मुझे बस एक उसका ही प्रॉब्लम है। ओ भाई जिसका डर था वही हुआ। मैं काम करता हूँ, शायद वही एक क्रीपर ही था वहाँ पर। मुझे तो अभी बहुत डर लग रहा है, मतलब देखो क्या फूटा है वो। मतलब मैं अपना शील्ड अगर डिसएक्टिवेट कर लिया होता तो हो सकता है कि मेरा वो घर बच के होता।